लास्ट टाइम जो कबड्डी गेम हुआ था तो ग्रीन हाउस के येलो हाउस जीत गए थे, तो आज फिर येलो हाउस के साथ ब्लू हाउस का गेम हो रहा है, तो अभी देखते हैं कबड्डी कौन जीतता है। अभी रेडी है, यहाँ पे येलो हाउस और यहाँ पे ब्लू हाउस हो चुका है गेम स्टार्ट। आप उस साल में ज्यादा खिलाड़ी अगर देखा जाता है तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका भी दोस्त घायल है। और ये बोनस या फायरिंग के चक्कर में येलो मैच टाइम नंबर आ पड़ता है। खिलाड़ी खेल से कबड्डी का लास्ट टूर्नामेंट चल रहा है, ये मैच यहीं पर इसका परिणाम सामने हो रहा है। बहुत सी टीमें क्या कुछ कर पाती हैं क्या नहीं, वक्त के साथ आपको बताया जाएगा। येलो हाउस का खिलाड़ी लड़ी ब्लू हाउस में प्रवेश कर चुका है, कई लोगों को एक तरह से काफी ज्यादा सतर्क रहे अपने हाउस की तरफ से और ये येलो हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से सीमा रेखा को बर्बादा को पार के खिलाड़ियों को काफी सुंदर पीछे ले जाने में कामयाब, और ये देखिए क्या कुछ कर पाते हैं क्या नहीं। बहुत अच्छी छलांग लगाई थी लेकिन खिलाड़ी और बच गया, ये खेल के अच्छे नियम थे। खेल समय में दोनों में बात कर रहे हैं, ये आप देखिए बहुत तेज की मारते हैं भाई, सावधान रहिए किसी को लग भी सकता है। और उतनी तेजी से देखिए प्रवेश कर लिया, काफी दोनों को एक तरह से तीनों समेटा एक खिलाड़ी येलो हाउस का खिलाड़ी समीर पांडे येलो हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रवेश करते हैं तो हर पासा मच जाता है, और खिलाड़ी बिल्कुल नंबर लेने में नाकाम है। खेल खिलाड़ी केवल बोनस ले गया, और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ फिर टीचरों की भी शिक्षा बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल खेल जो है लास्ट मोमेंट पर चल रहा है, मैं अपने सीट पर बैठी हूँ। ब्लू हाउस का खिलाड़ी समीर पांडे बोनस लेने में कामयाब रहता है, और ये खिलाड़ी को आउट किया या नहीं आउट किया मेरा बोनस हो रहा। और येलो हाउस टीमें जो भी है खेल तो अच्छा रहे हैं लेकिन बोनस कम आ रहे हैं, खिलाड़ी कम है लेकिन नंबर लगातार बढ़ा रहा है हमारी टीम का। और येलो हाउस का खिलाड़ी प्रवेश किया बोनस के बाद में ये रेहान अपनी टीम का एक तरह से कहा जाए कि कमांडर भी है, काफी सीधा सीधा बोलते हैं।
खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर भी हर बार बाहर हो जाने में कामयाब रहते हैं की तरफ से, और काफी नंबर इन्होंने इकट्ठा किया।
बहुत बढ़िया। चलो भी आप लोग बता दो। फर्स्ट साल में येलो एंड ब्लू आउट